हेलो गाइस, आई एम सबाब एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज का मेन टॉपिक है कि रैम क्या है, रैम कैसे काम करता है, रैम क्या काम करता है, और हमारे डेली लाइफ में जो हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, जो हम लैपटॉप यूज़ करते हैं, उसमें कितनी GB रैम होना चाहिए जिससे मेरा स्मार्टफोन और लैपटॉप अच्छे से स्मूथ चल सके, बिना लैग के, बिना कोई झंझट के, एकदम अच्छे तरीके से चल सके। यही सब जानने के लिए आप इस चैनल पर लास्ट तक बने रहें, और अगर मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को, अगर नए हों तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस तरह की और भी नॉलेजफुल वीडियो मिलती रहेगी। और बेल आइकन को तो ऑन आप कर देंगे। और मेरा यूज़र नेम है सबाब खान 43, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लें, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ पर जाके आप डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं। फिर चलें शुरू करते हैं। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि रैम क्या है। तो रैम इसका मेन फुल फॉर्म है RAM, तो फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक हार्डवेयर है, तो एक हार्डवेयर जो होता है, प्रोसेसर कैसे होता है, स्टोरेज, उसी तरीके से यह एक हार्डवेयर है जहाँ पे हम लोग अपनी फाइल को रन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई फाइल अभी ओपन करना है, तो वो फाइल दूसरी जगह भी है, आपको चलाना है वो फाइल पहले से फ़ोन में है, जान रहे हैं, अगर उसको जब आपको यूज़ करना है उसको आपको रैम में पहले लाना पड़ेगा। और इतनी फास्ट होती है इसीलिए तो वहाँ पर रैम पे चलता है, कोई लैग आपको दिक्कत ना हो चलाने में, कोई आपको परेशानी ना हो, एकदम फास्ट रैम होता है। समझिए कि 8 या 10 या 12 GB स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज बनाने में जितना खर्च आता है उतना 1 या 2 GB शायद रैम बनाने में खर्च आता है। समझ लीजिए कितना फास्ट होगा, जब इतना 12, उसका अलग लग रहा है, 12 का मान लिया 12 GB स्टोरेज बनाने में 10 रुपया लग रहा है, तो 10 ही रुपया लग रहा है 1 GB स्टोरेज बनाने में, समझ लीजिए तो सब कितना स्पीड होगा, इसलिए रैम को बनाया गया है। तो अब ऐसे तो आप शायद समझे नहीं होंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा दे रहा हूँ। जैसे समझिए आप किसी एक ऑफिस में काम करते हैं, आप बैठे हुए हैं चेयर लगा के टेबल पे, ठीक, और जिस फाइल की आपकी ज़रूरत हो वो दूसरे रूम कमरे में, दूसरे रूम में, तो आप पहले वहाँ रूम में जाइएगा, उस फाइल को लाइएगा, अपने टेबल पर ओपन करिएगा, तब काम करिएगा। ओपन करके जब आपका काम फिर हो जाएगा तो उसको, या तो अगर वहाँ पे जगह ज़्यादा है, टेबल पर आपका टेबल बड़ा है तो उस टेबल पर आप रख के छोड़ दीजिएगा, टेबल अगर छोटा है तो फिर से जहाँ से आप फाइल ने दूसरे रूम से उठाया था उसी रूम में आप जाके वहाँ पर रख देंगे। तो यही कुछ लॉजिक है फाइल का। अगर ये मतलब टेबल जो है वो रैम है आपका, वो जो दूसरा रूम है वो स्टोरेज है। तो स्टोरेज आपके जितना बड़ा रहेगा, मान लीजिए रूम मेरा खूब बड़ा, उसमें खूब सारा फाइल मैंने रख दिया, वहाँ तो रह गया, और मेरे रूम में एक टेबल है, टेबल छोटा है, तो जितना टेबल की कैपेसिटी है उतना ही फाइल आपका रखेगा। अगर फिर उस पर आप मान लिया फाइल अट गया, तो फिर आपको कहाँ, आपको मान लिया नया फाइल लाना है, तो नया फाइल आपको लाना है तो पहला वाला पुराना वाला फाइल तो वहाँ पर आपको हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही तो जगह बैठेगी। तो वही सेम लोचा एकदम जो है रैम वाला है। आपके रैम में 4 GB रैम है, मान लीजिए 4 GB रैम में आपका एप्लीकेशन सपोर्ट करता है, वो रैम 15 एप्लीकेशन सपोर्ट करता है। तो जब से पहला एप्लीकेशन आप यूज़ किया, 15 यूज़ कर लिया, ठीक, आप 16वां आप यूज़ करने जा रहे हैं, एक एग्जाम्पल पर, कोई ज़रूरी नहीं कि 15 ही सपोर्ट करता है, एग्जाम्पल 16वां आप यूज़ करने जा रहे हैं, तो जो पहला एप्लीकेशन था ना उसको वहाँ रैम अपने पास से हटाएगा, उसको स्टोरेज में भेज देगा, जो मेरे पास उतनी जगह नहीं है, और फिर जो आप लाए हैं उसको ला देगा वहाँ पे। तो 15 ही ना सपोर्ट कर रहा है, 1 या 2 पीछे वाला पहला या दूसरा को भेज देगा, जाओ तो मेरे पास जगह नहीं है, तो वहाँ पे आपका रैम अच्छे से चलेगा। तो मैंने आपको समझाया है कि मतलब, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रैम है वो टेबल है, और जो रूम है, जो कमरा है जहाँ पर फाइल रखी हुई थी, वो स्टोरेज है, मोबाइल की स्टोरेज, और टेबल जो रैम है। जितना बड़ा आपका रूम है आप उतना उसमें पूरा भर दीजिए, उससे रैम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रैम को तो बस फ़र्क है कि जितना मेरा स्पेस है, मान लिया मेरा यहाँ पे एक टेबल है, तो एक फाइल यहाँ, 2 फाइल यहाँ 3 फाइल यहाँ, बस 3 ही फाइल का जगह है। मान लिया मुझे चौथी फाइल की ज़रूरत पड़ी तो इसको तो हटाना पड़ेगा, नहीं तब ने वहाँ पर रखेंगे चौथा फाइल। तो यही कुछ है। तो रैम का मतलब फिर से बता दे रहा हूँ कि जो टेबल है वो आपका रैम है, जो रूम है वो आपका इंटरनल स्टोरेज है या SD कार्ड जो आप समझते हैं वो है, और जो फाइल मैंने बोला वो एप्लीकेशन है, क्रोम, गूगल, कैमरा, यूट्यूब, यही सब। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया हो, रैम के बारे में आपको सारी नॉलेज हो गई होगी, मेरी कोशिश थी कि मैंने आपको समझाया हूँ। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लें, जहाँ पर मैं अपना फ़ोटो वगैरह
पोस्ट करता रहता हूँ, कुछ ज़रूरी जानकारी आपको अपडेट देता रहता हूँ वहाँ पे, तो जाके जरूर से ज़रूर फॉलो करें। तो गाइस इसी तरीके से मैंने और आपको कोशिश करता रहूँ कि और अच्छे अच्छे टेक वीडियो, इसी तरीके की नॉलेजफुल वीडियो आपको देते रहें। तो फिर बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ नॉलेजफुल वीडियो में, जिससे आप देखिए फिर मैंने बोला कि मिलते हैं आपसे, तो आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे आप मैं दूसरा वीडियो पोस्ट करूँगा आपके पास तुरंत आ जाएगा, तुरंत आप हमसे मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।